Hi student, this is Swami Vivekananda Institute and you're welcome. We are here to your study. I'm telling you about your preparation. Actually, I'm your trainer related to the political science for UGC NET. तो राजनीतिक विज्ञान के सभी छात्रों का स्वागत है स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में, जो कि यूजीसी नेट के लिए इच्छुक हैं अपने जीवन में कि हम यूजीसी नेट निकालकर और एक प्रोफेसर के पेशे को चुनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ताकि हम सेवा कर पाएँ और अपने उस लक्ष्य को पूरा कर पाएँ जो आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो स्टूडेंट्स, हम आज बात करते हैं अबाउट द political science, that means how we can crack our exam and how it is possible कि you can achieve your target. आज हम सबसे पहले अपने target को तय करते हैं। हमारा target है कि हम political science यानी के राजनीतिक विज्ञान के अंदर किस तरीके से अपना NET exam और JRF exam qualify कर सकते हैं। उसके लिए स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट आपके लिए एक पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे प्रोसीजर के साथ तैयार है आपको उस एग्जाम को निकालने के लिए। हम सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से हम इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, किस तरह का ये एग्जाम होगा। मैं अपने बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट माई सेल्फ, एक्चुअली आई एम सलमान और मैं स्पेशली एस के सर के नाम से भी मुझे लोग जानते हैं। And I am the trainer of political science. I am teaching from 2013, approx 10 years experience related to this subject. आपको बस इतना बता सकता हूँ कि इस subject को लेकर हम जो planning करने जा रहे हैं, जिस तरीके से हम इस subject को लेकर आपको तैयार करने जा रहे हैं, इतना guarantee के साथ बोल सकता हूँ कि उतनी planning आपके लिए काफी होगी और आप 100% अपने target को achieve कर लेंगे। तो हम किस तरीके से अपने प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, जानते हैं हमारे पास है यूनिट 10, तो 10 यूनिट्स के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब 10 यूनिट के साथ में तैयारी का मतलब है कि किस तरीके से हम अपने उन 10 यूनिट को रेडी करें। देखिए, अगर हम लोगों ने एक सटीक तैयारी की, एक प्लानिंग के साथ तैयारी की, 100% श्योर है कि हम लोग अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। जैसे आप सब्जेक्ट के स्वभाव को समझेंगे, सबसे पहली बात यह है कि मैं आप लोगों के साथ बाइलिंगुअल रहने वाला हूं, दैट मींस अगर आप हिंदी बैकग्राउंड के छात्र हैं या आपका मीडियम इंग्लिश है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर दैट, वी कैन टेक इट बोथ इजीली। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों के साथ में हम लोग इजीली जा सकते हैं। मैं जैसे कि आपसे बता रहा हूँ कि हम लोग किस तरीके से अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, तो हम लोग समझने जा रहे हैं कि कंप्लीट सिलेबस क्या है, पहले हमें उसको वहां से शुरू करना है और सिलेबस के साथ में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। पिछले 2, 3, 4, 5 एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, हम उसी के आधार पर अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। तो जब हम देखते हैं कि हमारे 4-5 एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर है वहां से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम उनको डिवाइड करेंगे यूनिट टू यूनिट, हम पूरी तरीके से एक एक यूनिट को सर्च करेंगे, देखेंगे कौन सी यूनिट पर कितने मार्क्स के क्वेश्चंस एवरेज पूछे गए हैं, हम उनको डिवाइड करेंगे टॉपिक टू टॉपिक, कौन से टॉपिक पर कौन से यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सपोज दैट थिंकर्स को लेकर जो सवाल पूछा जा रहा है वो अलग है, जो थॉट्स को लेकर सवाल पूछा जा रहा है वो अलग है, सपोज दैट जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो अलग है, तो कहां पर किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, हम उन सभी पॉइंट ऑफ व्यू पर आपके साथ में बात करेंगे। क्योंकि राजनीतिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी अपना फैलाव रखता है, काफी बड़ा सब्जेक्ट है, ऐसे में हमारा इस सब्जेक्ट के लिए सबसे बड़ा जो रोल रहने वाला है आप लोगों के साथ वो ये है कि हम इसको ओवरऑल कंप्लीटली एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ में इसको फुलफिल करेंगे, ताकि आपका ये एग्जाम निकालने के लिए, आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाने के लिए हम इसको जितना हो सकता है उससे कहीं ज्यादा आपके लिए उसको आसान कर दें। हमारी मेहनत, हमारा प्रयास सिर्फ ये रहेगा कि हम आपको किसी भी तरीके से ये एग्जाम निकलवाएं। इसके लिए हमारा संस्थान और हमारी टीम पूरी तरीके से आप लोगों के साथ खड़ी रहेगी। दूसरी बात, हम आप लोगों को इससे अलग क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराएंगे, मीन्स आपके साथ में
हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम सिलेबस को अपने टाइम पर कंप्लीट करें, और सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करना हमारा टारगेट नहीं होगा, उसके अलग हमारा एक और टारगेट होगा कि हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ उसको रिवाइज करने के लिए, अगर हम रिवीजन की बात करें तो अगर हम रिवाइज करेंगे तो हम वहां पर देखेंगे कि हम टेस्ट सीरीज लगातार आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसके जरिए हमारा अभ्यास ज्यादा होगा तो 100% हमें पता रहेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस अभी आने वाले एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं, हमें इस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो बेसिकली हम एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ में और एक प्रॉपर तैयारी के साथ में आप लोगों के सामने एक प्लानिंग के साथ में आ रहे हैं, आप लोग उसके लिए तैयार रहे कि हम किस तरीके से अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ में कि क्या आगे की हमारी प्रोग्रामिंग होगी, सपोज दैट हम टॉपिक्स की बात करते हैं कि किस तरीके से हम हर एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं और हम हर एक चीज को पढ़ रहे हैं। सपोज दैट हमने बात किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम पढ़ रहे हैं, भारत का संविधान क्या है, और हम उसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल में बात कर रहे हैं। तो अब होता यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में बेसिक प्रॉब्लम वहां आती है कि जब वो किसी एक चीज को पढ़ लेते हैं लेकिन पढ़ने के बाद उसको भूल जाते हैं। तो सवाल ये बनता है कि क्या पढ़ना और पढ़ने के बाद उसको याद रखना, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। अधिकतर बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वो जो चीज पढ़ते हैं उसको भूल जाते हैं। हम जो भी चीज पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को प्रॉपर नोट्स, तो क्लास नोट्स अलग बनवाए जाएंगे, उसके साथ साथ में प्रॉपर PDF आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कि जिसके जरिए आप अपने नोट्स को सही ढंग से पूरे कंप्लीट PDF के साथ में प्रॉपर वे में पढ़ पाए। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जैसे मैंने बात की, सपोज दैट हम इस पर पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ा जाए, क्योंकि टॉपिक कई बार होते क्या है कि काफी बड़े, भारत का संविधान खुद में सुनने में बहुत बड़ा लगता है कि यार कितना बड़ा टॉपिक है, कैसे पढ़ेंगे, लेकिन जब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भाई मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस तरीके से संविधान बना, उस पर हम उसके पूरे स्ट्रगल की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब इसको डिजाइन किया गया, जो पहली मीटिंग थी, सपोज दैट मैंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ, तो संविधान सभा किस कमेटी के बाद बनी, दैट मीन्स भारत में संविधान सभा से पहले किसका गठन हुआ कि जिसने ये परमिशन दी कि संविधान सभा बनाई जाए, सवाल बन गया खुद में ये। चलिए हमने माना कि कैबिनेट मिशन भारत आया इन 1946 एंड 9th of December 1946 को ही संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और उसको बनाना शुरू किया, और कॉन्स्टिट्यूशन बनकर लगभग तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को ये इंडिया में इसको लागू कर दिया गया, ये भारत में अप्लाई हो गया। अब सवाल ये बनता है कि ये जब बना, इसको बनाने में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ रहे होंगे तो कौन कौन से प्रयास हैं जो किए गए, किस तरीके से भारत के संविधान को बनाया गया, कैसे उसको डिजाइन किया गया, अगर हम जाते हैं उसको समझते हैं तो हम देखेंगे कि भारत में शुरुआत उसकी कब है, जब भारत में ब्रिटिश आए, क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने सबसे पहले 1773 में भारत के अंदर अपना पहला कानून दिया था जिसको रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना गया, यानी रेगुलेटिंग एक्ट। अब उसके बाद उन्होंने लगातार कानून दिए भारत में, उन्होंने 1784 में दिया पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसके बाद उन्होंने जो कानून दिए देश में, उन कानूनों को जब हम समझते हैं गहराई के साथ में, तो उन्होंने बहुत सारे कानून 1793 में आया हुआ चार्टर एक्ट, अब लगातार आप देखेंगे 1793 के बाद 1813 चार्टर, 1833 चार्टर, 1853 चार्टर, ये अलग अलग समय पर आए हुए अलग अलग चार्टर एक्ट्स। इनके बाद 1857 रिवोल्ट हुआ, उस 1857 रिवोल्ट के बाद जो भी एक्ट भारत में आया उसको, क्योंकि कंपनी से राज चला गया था तो आपको पता ही है, वो कंपनी का राज गया, यानी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी उसको रिप्लेस कर दिया गया और वो सीधा रूल कहाँ से होने लगा, अब सीधा ब्रिटेन गवर्नमेंट यहाँ यानी क्राउन यहाँ पर सीधा रूल करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद जो भी एक्ट आया वो कहलाया गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। अब गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में जो बड़े कानून, हालांकि कई सारे आए, 1858 में एक एक्ट आया है वो अलग है, 61 आया वो अलग है, लेकिन जो बाद में तीन बड़े लॉ हैं 1909 वाला जो एक्ट है वो, 1919 एक्ट 1919 वाला अधिनियम और 1935 एक्ट 1935 वाला अधिनियम, ये तीन बड़े एक्ट हैं जो अलग अलग समय पर लाए गए हैं 1909 1919 1935। इनके बाद अब जैसे भारत का जो संविधान बना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का,
लगभग दो तिहाई हिस्सा कौन से ब्रिटिश एक्ट यानी कौन से गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो ब्रिटिशर्स के टाइम में आया है उससे लिया गया है, ये खुद में एक सवाल बनता है। तो भाई हमारा ये जो लिया गया है 1935 वाले अधिनियम गवर्नमेंट इंडिया एक्ट से लिया गया है दो तिहाई। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ रहे होंगे यानी संविधान को किस तरीके से बनाया गया उसके पीछे की जो पूरी कहानी जब हम पढ़ेंगे और जब समझेंगे गहराई के साथ में, इस पर पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे, एक एक नोट जब हम वहां से उठाएंगे और पढ़ेंगे उसको और स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। कौन सी कमेटियां गठित की गई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब संविधान सभा के अध्यक्ष स्ट्रक्चर बॉडी के चेयरमैन बनाए गए, अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद जी हैं संविधान सभा के, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को स्ट्रक्चर बॉडी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया। क्यों वो बनाए गए, क्या उसके पीछे रीजन रहा, कौन कौन सी सभाएं, कौन कौन सी कमेटियां गठित की गई, किस किस को क्या जिम्मेदारी दी गई, और जब संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर, तो उस संविधान को अब जैसे आपने सारे पॉइंट्स को समझा और जैसे हम आगे बढ़े यहां से और हमने देखा कि भाई 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसको अप्लाई होने में 2 महीने लगे, 26 जनवरी 1950 को अप्लाई लागू किया गया। तो ये 2 महीने वेट क्यों किया गया, अगर आप जानते हैं गहराई को समझते हैं, आपको पता है कि 26 जनवरी 1930 से भारत में स्वराज्य दिवस के रूप में हम उसको सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं, तो क्योंकि 26 जनवरी के साथ हमारा जो है एक तारीख जुड़ी हुई चली आ रही थी कि हम लोग उस तारीख के साथ में जुड़े हुए थे, लेकिन हमें आजादी मिली 15 अगस्त को, इसीलिए हमने 2 महीने वेट किया और उस तारीख को जिंदा रखने के लिए रिपब्लिक डे या अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को सेलिब्रेट करना शुरू किया ताकि वो तारीख जिंदा रह सके। तो ये छोटे छोटे मुद्दे, छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू जब हम उसको समझते हैं, संविधान की तीन बड़ी चीजें जब लागू हुआ उसके अंदर मौजूद पार्ट यानी कि संविधान के अंदर मौजूद पार्ट या उसको हम कहते हैं भाग, आर्टिकल यानी के संविधान में मौजूद अनुच्छेद, इसी तरीके से जब हम पढ़ेंगे कि स्केड्यूल संविधान के अंदर मौजूद अनुसूचियां, तीन चीजें हैं। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें टोटल 22 भाग 395 अनुच्छेद या आर्टिकल और 8 शेड्यूल यानी 8 अनुसूचियां थी, लेकिन संविधान की सबसे खूबसूरत बात जैसे कि आप जानते ही हैं उसके अंदर मौजूद आर्टिकल 32 संविधान में ताकत देता है फंडामेंटल राइट्स की। हमारे पास इस वक्त 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। हम राइट्स को जब समझते हैं कि सपोज दैट हमने देखा कि आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक भारत में संवैधानिक अधिकारों की बात की गई है, यानी फंडामेंटल राइट्स और मौलिक अधिकारों की बात की गई है। ये जो मौलिक अधिकार है वो क्या है, किस तरीके से हमने वो यूएसए से लिए, यूएसए के अंदर मौलिक अधिकार आखिर कहाँ से आए, कहाँ से वो विचार पनपता है, किस तरीके से वो बात, आप वेस्टर्न थिंकरों में जाओगे तो आप देखोगे कि जॉन लॉक के साथ वो बात जुड़ जाती है, किस तरीके से लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी एक साथ ऐड हो जाती है, लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म खुद में एक लिंक बनाता है, तो किस तरीके से वो चीज अमेरिका में पहुंचती है, किस तरीके से वो बात हमारे पास अमेरिका से आती है, क्या मानव अधिकार मौलिक अधिकार का जो ताकत भारत के संविधान के जरिए लोगों को मिला हुआ है वो कितनी बड़ी ताकत है। आर्टिकल 14 से 18 जो इक्वालिटी की बात है, समानता, आर्टिकल 19 टू 22 जो स्वतंत्रता फ्रीडम की बात है, आर्टिकल 23 24 में जो शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, या आर्टिकल 25 टू 28 जो रिलीजियस फ्रीडम धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, या आर्टिकल 29 एंड 30 में जो एजुकेशन एंड कल्चर की बात है, शिक्षा और संस्कृति की बात है, या आर्टिकल 32 जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपचारों की बात है। अगर हम डिटेल में जाते हैं और हम उस चीजों को समझते हैं तो आर्टिकल 32 कहता है कि संविधान की सबसे ताकतवर बात, इस आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते हैं इट इज द हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की हृदय और उसकी आत्मा है ये। तो कैसे ये बात सिद्ध होगी और कैसे ये बात आज आकर हमें पता लगी है कि भाई हाँ ये बात जो है बहुत मजबूत है, क्योंकि हम संविधान में बदलाव कर सकते हैं और ये जो बदलाव करने की ताकत आज हमारे पास है, हमारा मौलिक अधिकार आर्टिकल 32 के जरिए हमारे पास है, इसीलिए हमने संविधान में अपने हिसाब से उसमें चेंजेस किए, शेड्यूल बढ़कर 12 हो गई जो आज हमारे पास अनुसूचियां हैं 12 है, और इसी तरीके से 100 बार से ज्यादा बार तक हमारा संविधान अमेंडेड हो चुका है, यानी उसमें इतने संशोधन अब तक हो चुके हैं। भारत के संविधान की ये सब खूबसूरती बताती है कि किस तरीके से इसने इंडिविजुअल हर एक नागरिक को
एक अधिकार दिया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मजबूत किया और एक स्टेट को बनाने में क्या खूबसूरती बयान की है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई हो और आप पूरी तरीके से क्लियर होंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। मैं बस आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि हम लोग पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी स्टडी में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप लोग भी ईमानदारी के साथ अपनी स्टडी को करें और आगे बढ़ें और अपना एक टारगेट सेट करें। एंड यू आर वेलकम इन स्वामी विवेकानंद। यू कैन ज्वाइन विद अस, 100% श्योर देयर विल बी द फ्यूचर एंड गारंटी कि हम लोग आपके साथ पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ खड़े हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।